अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो सोलिस इन्वर्टर के अनबॉक्सिंग के बारे में है, जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर यूरोपीय ममालिक में बेहद डिमांडिंग इन्वर्टर है। वैसे भी बहुत आउट क्लास किस्म का इन्वर्टर है, इसकी क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस और इस तरह की सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं और मैंने जो फीडबैक लिया है मार्केट में से, तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो सोलिस का है S6 सीरीज, ये बहुत जबरदस्त इन्वर्टर है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें से क्या क्या चीज निकलती है, प्लस दो से तीन चीजें इसकी इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर वन इसकी कीमत, नंबर टू अगर आप इसे ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, मतलब आप बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते साथ में और वापटअप इस्तेमाल नहीं, ग्रिड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो ये इसकी एक हैंगिंग ब्रैकेट है जो कि दीवार के साथ लगा के इसके साथ इन्वर्टर हम हैंग करेंगे। उसके बाद ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है इसकी एक, जिसपे बेसिक इंस्टॉलेशन की सारी जो है वो आउटलाइन दी हुई है। उसके अलावा इसके साथ जनाब MC4 कनेक्टर हैं, स्क्रूज हैं और कुछ कम्युनिकेशन के लिए जैक हैं, ये भी MC4 कनेक्टर हैं, 4 MC4 कनेक्टर्स और स्क्रूज हैं इस बॉक्स में। इसके अलावा इसमें जनाब ये डाटा लॉगर है जिसे वाईफाई स्टिक भी बोल सकते हैं। इस डाटा लॉगर या वाईफाई स्टिक के जरिए ये इन्वर्टर कम्युनिकेट करता है सोलिस के सर्वर के साथ, जिसमें सारी अपडेट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये CT है, CT मतलब कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर। ये ग्रिड की जो लाइव वायर है रेड कलर की, पॉजिटिव वायर ग्रिड वाली, उसमें ये लगती है और ये इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करती है कि कितनी इनपुट या आउटपुट जो है वो हुई है इसमें इन्वर्टर के जरिए। देन जनाब अब इस इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं। ये 6 किलोवाट का सोलिस का इन्वर्टर है, बहुत आउट क्लास किस्म का। मार्केट में तब तक इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूं तो जुलाई 2025 में ये हमारे इंस्टॉलर हैं जुल्फकार साहब और ये दूसरे इंस्टॉलर हैं अली साहब। तो मार्केट में अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त मार्केट में प्राइस 2,45,000 से लेके 2,60,000 के दरमियान में जो है वो इसकी प्राइस चल रही है। ये कम्युनिकेशन पोर्ट है। अच्छा, अब इस इन्वर्टर, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर मैंने आपको बताया था, 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें अगर मैं आपको इसकी डाटा शीट दिखाऊं, वीडियो यहाँ पे पॉज करके, वैसे तो स्टिकर लगा हुआ है लेकिन डिटेल से इसकी डाटा शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनाब ये मॉडल है इसका, S सीरीज है, सिंगल फेज 3 से 10 किलोवाट के इसके सिंगल फेज है, KL प्लस मॉडल। अब अगर इसमें 6 किलोवाट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ जनाब रिकमेंडेड मैक्सिमम PV अरे साइज जो है वो 12 किलोवाट तक मैक्सिमम साइज इसका, जो आपके सोलर पैनल्स हैं उसका साइज मैक्सिमम जो है वो 12 किलोवाट तक हो सकता है। और आप जो है मैक्सिमम यूजेबल जो PV है, जितना हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 9600 वाट है, यानी कि 9.6 किलोवाट आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो है वो 500 वोल्ट दे सकते हैं इस इन्वर्टर को और 16 एम्पीयर दे सकते हैं। इसकी दो इनपुट है, ड्यूल इनपुट है इसकी सोलर इन्वर्टर की। तो ये इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर सारी मेन स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसके, ऑपरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, ये वाली नॉब जो है आपके सोलर सिस्टम को कट करने के लिए, इन्वर्टर से कट करने के लिए ये नॉब इस्तेमाल होता है। ये इसका जनाब फ्रंट है, सेवन इंच की इसकी स्क्रीन है, टॉप पे 3 LEDs बटन है, LED लाइट्स हैं सॉरी, और नीचे 4 इसके बटन है। ये इसकी बॉटम साइड है और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। ये QR कोड यहाँ पे भी, अब ये पता नहीं किस चीज के लिए है, नॉट श्योर।
इसके साथ में दो नीचे फैन भी हैं, वैसे तो नॉर्मली ये पंखे चलते नहीं है, लेकिन ओवर हीट होने की वजह से अगर जरूरत पड़े तो ये दोनों फैन जो है वो ऑन हो जाते हैं। ये हमारी PV1 और PV2 इनपुट है, दो स्ट्रिंग आप अटैच कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं COM 1, 2, 3 इसके राइट साइड पे। यहाँ पे बैटरी के पॉइंट लगते हैं, यहाँ पे वाईफाई डोंगल लगती है, देन जनरेटर का या स्मार्ट या हैवी लोड जो इस पोर्ट में लगेगा, बैकअप लोड सेंटर में है, और ग्रिड के लिए वेरी राइट साइड पे ग्रिड की इनपुट है। अब दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करना चाहते हैं इनके विदाउट बैटरी और विदाउट ग्रिड, सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपना सारा लोड बैकअप पोर्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी वायरिंग बैकअप पोर्ट से लेनी पड़ेगी। वैसे तो बाहर आप चेंज ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर परमानेंट आप लोगों ने यूज करना है ऑफ ग्रिड तो आप बैकअप पे सारा इसका लोड डालेंगे। इसकी स्मार्ट लोड वाली जो पोर्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, ये वाली जो स्मार्ट पोर्ट वाली इसकी पोर्ट है, ये बैक वक्त इनपुट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे, मतलब सॉरी बैक वक्त नहीं, आप इसे आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जनरेटर की इनपुट दे सकते हैं या अपना हैवी लोड जो है वो चला सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू, अंदर इसमें कनेक्शन करके। अभी ऊपर से इसकी टॉप की जो प्लेट है वो मैं उतार के अंदर से भी आपको दिखाता हूं कि आप लोग अगर इसे सिर्फ ऑफ ग्रिड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने कनेक्शन कहाँ पे करेंगे और बाकी चीजें जो है वो कहाँ पे अटैच होंगी, कम्युनिकेशन पोर्ट कहाँ पे अटैच होगी, सीटी जो है कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर वो कहाँ पे अटैच होगा। तो जनाब ये इसके कनेक्शन पैनल है सारा, ये इसका पीवी को कट करने के लिए साइड पे जो नॉब है वो है सारा। इसके अलावा अभी इंस्टॉलर हमारे कह रहे हैं मुझे साइज लेने दे भाई, ताकि मैं इसे हैंग करने के लिए तब तक अपना काम करूं। ओके, मैं बात कर रहा था कि आप अगर इसे सिर्फ ऑफ ग्रिड इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कनेक्शन प्लेट जो है वहां पे किस किस किस्म के कनेक्शन होते हैं, तो जो ये वाली पोर्ट है, ये वाली, इसमें पहले वाली पोर्ट सिर्फ बैटरी के लिए कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में। मैं आपको वीडियो पॉज करके एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ ये वाली पोर्ट जो है, ये वाली, ये जहाँ पे माउस का कर्सर है, ये सिर्फ बैटरी के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ से तार को बैटरी के BMS के साथ अटैच कर देते हैं ताकि इन्वर्टर हमारा बैटरी के साथ कम्युनिकेट कर सके। बाकी पोर्ट आमतौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, ये न्यूजीलैंड और इस तरह की एक दो और कंट्रीज हैं वहां पे इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा ये जो नीचे वाले पॉइंट है, यहाँ पे पहले दो पॉइंट में सीटी लगती है और ये तीन मेन जैक है, इसके तीन मेन पॉइंट है 1, 2, 3, ये बैटरी के पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो पॉज करके, यहाँ पे ये तीन मेन पॉइंट है, ये पहले नंबर पे राइट साइड पे, ये पहले नंबर पे ग्रिड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम अपना ग्रिड की इनपुट देंगे। ओके, लाइन न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव बर्थ तीनों पॉइंट मौजूद है। उसके बाद ये वाली सेंटर वाली जो इसकी पोर्ट है, अगर आप लोगों ने इस इन्वर्टर को सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड चलाना है, सिर्फ और सिर्फ सोलर इन्वर्टर पे चलाना है, सोलर पैनल्स पे चलाना है बगैर बैटरी बगैर वापटा के, तो आप अपना सारा लोड इस पोर्ट के थ्रू लेंगे आउटपुट, ठीक है, फिर इस पोर्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लाइट अगर जाए तो AC वगैरह बंद हो जाए, हमारा लोड जो है वो बैटरी वगैरह कंज्यूम ना करे या इस तरह का मामला, तो अपना हैवी लोड AC वगैरह इस पे शिफ्ट कर दें, तो AC वगैरह जो आपके बैटरी पे नहीं चलेंगे, फिर लाइट जाएगी, ग्रिड जो है वो ऑफ होगी, तो आपकी ये वाली पोर्ट बंद हो जाएगी। सो अगर आप ऑफ ग्रिड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं अपना सारा लोड, तो ये सेंटर वाली पोर्ट जो है बैकअप जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपना लोड सारा डालेंगे। इस पोर्ट पे लिखा हुआ जेन, आमतौर पर जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर जनरेटर का इनपुट देना है तो वो भी यहाँ पे देंगे,
और अगर स्मार्ट लोड यानी कि हैवी लोड देना है आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है तो ये वाली पोर्ट भी एज ए हैवी लोड के आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये इन्वर्टर की एक ओवरऑल सिनेरियो था सारा। मेन चीजें मैंने आपको बताई, ये इन्वर्टर जो है वो दूसरे ममालिक जो है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप लोगों ने बड़ा सेटअप लगाना है सोलर का तो आप ये वाले इन्वर्टर इस्तेमाल करें, सोलिस कंपनी के, बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस है इनकी। और प्राइस मैं आपको बता चुका हुआ हूँ, जून जुलाई 2025 में मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 2,45,000 से लेके 2,60,000 के दरमियान में चल रही है। और ये मैंने लाहौर का आपको बताया, अगर मेन डीलर हैं कोई तो तकरीबन 2,45, 2,50 तक दे देते हैं, आपको मिल जाता है। सो आप लोगों में से कौन कौन सोलिस इस्तेमाल कर रहा है वो काइंडली फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा।